नमस्कार दोस्तों, पद्मासन ऐसी खास योग मुद्रा है जिसे बड़ी आसानी से और योग की शुरुआत करने वाले नए लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। यह सेहत से जुड़ी 5 गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने और उनकी चपेट में आने से आपको बचाए रख सकता है। तो आइए पद्मासन के फायदे और विधि के बारे में जानते हैं। घुटनों की सेहत रहेगी बरकरार। घुटनों की सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए अगर आप पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इस योगासन को करने के दौरान आपके घुटनों में एक विशेष प्रकार के द्रव का रिसाव होता है। कहा जाता है कि अर्थराइटिस और घुटनों में होने वाले दर्द से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह द्रव काफी प्रभावी होता है। दिमाग को शांत रखें। दिमाग को शांत बनाए रखने में भी पद्मासन योग करने का फायदा बड़ी भूमिका निभाता है। इस योगासन को करने के दौरान दिमाग को केंद्रित किया जाता है, यही वजह है कि यह दिमाग को शांत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए है बेस्ट। सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं के लिए पद्मासन योग एक बेहतरीन विकल्प होता है। इस योग आसन को करने के लिए महिलाओं को किसी जोखिम का खतरा भी नहीं रहता है और वह बड़ी आसानी से पद्मासन के जरिए गर्भावस्था के दौरान होने वाले तनाव और मांसपेशियों की अकड़न को दूर कर सकती है। अनिद्रा की समस्या हो जाएगी खत्म। अनिद्रा की समस्या कई कारणों से हो सकती है। अगर इसके प्रमुख कारणों की बात की जाए तो इनमें स्ट्रेस का नाम सबसे कॉमन है। पद्मासन योग का अभ्यास करने के कारण स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिलती है। इसका सीधा असर अनिद्रा की समस्या को खत्म करके आपको गहरी नींद दिला सकता है। शरीर रहेगा ऊर्जावान। अपनी दिनचर्या में किसी भी कार्य को अगर बिना थके पूरा करना है तो आपके शरीर में ऊर्जा की पर्याप्त पूर्ति होनी चाहिए। पद्मासन योग मुद्रा का अभ्यास करने से ऊर्जा के स्तर में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। पद्मासन करने की विधि। किसी शांत जगह पर योग मैट बिछाकर उस पर पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाए। अपने बाएं पैर को मोड़े और एड़ी को दाईं जांघ पर रखे। अब दाएं पैर को मोड़े और एड़ी को बाईं जांघ पर रख ले। अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए और उसे घुटनों के ऊपर रख दे। अब इसी मुद्रा में बैठकर सामान्य रूप से श्वसन प्रक्रिया को जारी रखें। करीब 5 से 10 मिनट तक आप इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो इस योगासन को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और सेहत से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।